अध्ययन कर चुके हैं। आज खिरगिज जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया का उच्च भाग पर निवास करने वाली जाति है और ये तुर्की भाषी जाति है। किर्गिज लोग मुख्य रूप से किर्गिस्तान में रहते हैं, हालांकि किर्गिज समुदाय इनके पड़ोसी देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस। मध्य एशिया के विस्तृत पठारों और समीपवर्ती प्रदेश में उत्तर में ओब नदी से लेकर दक्षिण में पामीर के पठार तक और पश्चिम में वोल्गा से लेकर तुर्कमान प्रांत के कुछ भागों तक किर्गिज जाति विभिन्न रूप से पाई जाती है। इसको हम चित्र में मानचित्र में हम देख सकते हैं। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन के जो मध्यवर्ती भाग है, उच्च भाग, इसमें इसका निवास क्षेत्र है। यह जाति मंगोल और तुर्कों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। इस जाति के दो मुख्य समूह पाए जाते हैं। पहला कारा किर्गिज जो उत्तर पश्चिम प्रदेशों में बसे हुए हैं और दूसरा किर्गिज कजाक जो स्टेपी के मैदानों में अपनी आवास भूमि बनाए हुए हैं। किर्गिज शब्द पारसी भाषा का है जिसका अर्थ होता है 40 पुत्रियां। इसी जाति के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि हजरत नूह के एक पुत्र का नाम किर्गिज था जो बाढ़ आने के समय तुर्किस्तान में आकर या बस गया। किंवदंती है कि उसी के 40 पुत्रियां हैं जिनकी संतानें कालांतर में किर्गिज कहलाई। पामीर के पठारों में बसे हुए किर्गिज की चार उपजातियां भी पाई जाती हैं, उपशाखाएं भी पाई जाती हैं, नियामान, किपचाक, तैड़त और कजाक। इन उपशाखाओं में भी अनेक उपभेद मिलते हैं। किर्गिजों के वास्तविक प्रतिनिधि कारा किर्गिज को ही मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि काले रंग के नब्दों के बने हुए तंबुओं में रहने के कारण इन्हें कारा किर्गिज नाम से जाना जाने लगा। शारीरिक गठन, किर्गिज लोग कद में साधारण होते हैं परंतु उनका शरीर गठा हुआ होता है, सुडौल होता है, मजबूत होता है। मंगोल शाखा के होने के कारण उनकी आकृति पड़ोस की अन्य जातियों जैसी ही पाई जाती है। उनके सिर के बाल काले, मूंछ, दाढ़ी बहुत कम और कहीं कहीं नाम निशान तक मूंछ दाढ़ी का नहीं पाया जाता। आंखें छोटी और तिरछी होती हैं, नाक चपटी होती है, चेहरा बड़ा होता है, मुंह छोटा, हाथ पांव छोटे, चमड़ी का रंग भूरा और मटमैला होता है। किसी किसी उपजाति के आंखों की जाति के लोगों की आंखों की भूरी और नीली भी होती हैं। उनकी बोली में फारसी, अरबी और दक्षिण साइबेरिया की भाषाओं के शब्दों का समावेश होता है, यद्यपि तुर्की से यह अधिक मिलती जुलती है। वस्त्र, किर्गिज खाल और उनके बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। शीत ऋतु में पशु चर्म के मोटे अंगरखे, चुस्त पायजामे, लंबे जूते और चौड़ी आस्तीन वाले लोग चोंगे या लबादे पहनते हैं। सिर पर भेड़ के ऊन की बड़ी सी टोपी पहनते हैं, उस पर बंधा हुआ फेंटा
एक चौड़ा कमरबंद खिरगिज जाति के पुरुषों की पोशाक होती है। ग्रीष्म काल में ये मोटे सूत के अंगरखे और लंबे कुर्ते पहनते हैं। स्त्रियां विशेषतः सिर पर सूती पगड़ियां सी पहनती हैं, जिसमें भांति भांति के सिक्के और जेवर टके हुए होते हैं। लुंगी या घाघरे के ऊपर कुर्ता और उस पर एक लबादा सा पहनने का इनमें रिवाज होता है। पुरुषों की अपेक्षा किर्गिज स्त्रियां अधिक परिश्रमी होती हैं और घर बार का बहुत कुछ काम वे निपटा देती हैं। इनमें पर्दे का प्रचार कदापि नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं पाई जाती। इन्हें घूमने फिरने में पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है। अमीर लोग मखमल का चोंगा पहनते हैं तथा कमरबंदों, घोड़े की जीनों और लगाव में सोने का काम किया जाता है। मोटे तौर पर स्त्रियां और पुरुषों की पोशाकें एक जैसी होती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकेंड ज्योग्राफी में संसार की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें विशेष रूप से खिरगिज जनजाति का द्वितीय पार्ट हम देखेंगे। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, प्रथम पार्ट में खिरगिज जनजाति मध्य एशिया के ऊपरी भागों पर निवास करती है और इनके वस्त्र और शारीरिक गठन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इनके घर या तंबू, जिनको यूर्त नाम भी दिया गया है, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खिरगिज लोगों का कोई स्थायी घर नहीं होता। प्रकृति इनको एक जगह रहने भी नहीं देती। शीतकाल में इस प्रदेश में बर्फ जम जाती है, इसलिए इन लोगों को पशुओं को लेकर सुरक्षित घाटियों की खोज में जाना पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में घास के सूख जाने से लोग पशुओं को लेकर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर माइग्रेट या खानाबदोश के रूप में घूमते रहते हैं। चारे की खोज में इन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। इस प्रकार इनका समस्त जीवन भ्रमणकारी रहता है। भ्रमणशील जीवन होने से तंबू ही, जिसको ये यूर्त YURT यूर्त ही इनका घर होता है, जिसे यूर्त कहते हैं। ये अपने तंबू अथवा यूर्त पशुओं की खाल और ऊन के नब्दों से बनाते हैं। तंबू खूब चौड़े और गोल होते हैं। पहले कनात को लगाकर फिर उस पर लकड़ी के छोटे छोटे खंभों के सहारे छत को टिकाते हैं। कनात को आगे पीछे करके तंबू को छोटा बड़ा किया जाता है। तंबुओं में गलीचे और जाजमें बिछाई जाती हैं। चमड़े एवं नब्दे के बिस्तर भी होते हैं। उनके प्राय सभी बर्तन भी चमड़े के बने होते हैं, जिससे टूटने फूटने का कोई डर नहीं होता है। भोजन, खिरगिज लोगों का भोजन भी पशुओं से प्राप्त होता है। पशुओं का मांस इनका मुख्य भोजन होता है। इन्हें बकरे का मांस विशेष प्रिय होता है। त्यौहार पर ये घोड़े का मांस भी खाते हैं। ये लोग रोटी प्राय नहीं बनाते, खट्टी दाल अवश्य बनाकर पीते हैं। गाय भैंस का दूध खूब पीते हैं। दूध को जमाकर पनीर भी बनाते हैं। ये लोग दूध से मक्खन भी तैयार करते हैं। खट्टे दूध को सड़ाकर कुमिस नामक शराब बनाई जाती है। चाय के ये बहुत शौकीन होते हैं।
पशुओं के बदले विदेशी व्यापारियों से चाय खरीदते हैं। वतन और उपकरण, भ्रमणशील जीवन होने के कारण किर्गिज अधिकतर ऐसे बर्तनों का प्रयोग करते हैं जो हल्के होते हैं, टूटने फूटने का जिनका डर नहीं रहता है। ये लोग भेड़ के सिले हुए चमड़े से बनाए जाते हैं। बनाए गए बर्तनों में दूध, पनीर, मक्खन आदि रखते हैं। एक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक थाली में अपने हाथों से भोजन करता है और चम्मच आदि का प्रयोग नहीं करता है। ये लोग घरेलू वस्तुओं को चमड़े के बने पात्रों या टोकरियों में रखते हैं। हिंसक पशुओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए ये लोग लोहे का भाला, डंडा आदि प्रयोग में लेते हैं।